अभी हम संख्या रेखा सीखेंगे। बोले अभी इसको नंबर लाइन बोलते हैं, इसको हम जो है अभी देखेंगे, नंबर लाइन सीखेंगे। तो एक लाइन खींचेंगे, ये बीच में जीरो रहता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर और राइट साइड पॉजिटिव। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इधर इधर भी वैसे, मतलब माइनस में रहता है इधर। यह है हमारा नंबर लाइन। तो लेफ्ट साइड जो है वो माइनस नेगेटिव संख्या रहेगी और जो है राइट साइड पॉजिटिव नंबर रहेगा। इसके बाद हम प्राकृतिक संख्या देखेंगे। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये अनंत होती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। और उसके बाद इसको हम n से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इसको हम बोलते हैं होल नंबर। इसको हम W से डिनोट करते हैं। और ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये भी हैं। और ये भी जो है अनंत होती हैं, इनफाइनाइट हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक में जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आती हैं, जैसे 0, 1, 3, 6 और इसमें माइनस संख्याएं भी होती हैं। पूर्णांक में माइनस संख्याएं भी होती हैं, जैसे -2, -6 ऐसे जो है, जो भी पूर्णांक होते हैं उसमें हम पूर्ण संख्याओं को और माइनस संख्याओं को भी रखते हैं। इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को वे होते हैं जिनको हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो क्यू है, जो क्यू है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो जी नीचे क्यू है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 3/0। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर वही है 1/2, 3/5, -3/6, तो ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये रेशनल नंबर में आती हैं।
इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। एट्थ का एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें जो है हमको इसको प्रॉपर्टीज फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हम कट कर लेते हैं, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, बचा 1 इधर और 1 इधर, और इधर भी कट जाएगा, इसको भी कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको नीचे लिखेंगे, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, 5 1 5, 2 1 2। ये माइनस है, माइनस इधर लगा देंगे, प्लस 5/2, और इसके बाद माइनस इधर 1 1 कम 1, और इधर 5 × 10, 5 2 जा 10, इसको ऐसे लिख लेंगे। अभी इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे, इधर लिख लेंगे सभी का एलसीएम करने पर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 10, और जो है इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 10, 2 2 4, प्लस 2 5 10, 5 आया, 5 5 25, माइनस 10 1 जा 10, 10 1 कम 10, और इधर 1 1 कम 1। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 में से 4 जाएगा तो बचेगा 21। ध्यान देना है कि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो इधर हम प्लस में ही रखेंगे और इधर -1 और नीचे 10। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 20 20, और इधर जो है नीचे 10। अभी 10 2 जा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35, 7 5 35, और इधर इसको भी गुणा कर लेंगे, 3 1 कम 3, 6 2 12, और ये माइनस की माइनस है, इसको माइनस लगा लेंगे ऐसे, इधर 2 1 कम 2, इसको काट लेते हैं, इधर कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1 1 जा 1, 1 1 कम 1, और नीचे 7 5 35, इधर प्लस का चिन्ह है इसलिए इसको प्लस में कर लेंगे। सबका लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 420, इन सब का एलसीएम निकालेंगे 420, और इसको हम डिवाइड करेंगे, 35 को अगर हम भाग देते हैं, 35 से अगर भाग देते हैं 420 में, तो जाता है 12 बार, तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, और इधर 12 35 जाएगा, 35 दिया 105, और इधर प्लस, और इधर एक बार जाएगा 12 बार, तो 12 1 कम 12, इसको प्लस माइनस कर लेंगे, इसको प्लस माइनस करने के बाद इधर ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तो इधर हम प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 165, और इधर नीचे 420, ये हमारा 420, इसको कट करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 3 15, 1 बचा तो 5 3 15, और इधर नीचे 5 8 40, और इधर इधर 2 आ गया, इधर हो गया 20, इधर हो गया 5 4 20, 3 से कट करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, और इधर नीचे
हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, इधर आ गया हमारा 2 = 24 हो गया, 3 × 8 = 24, तो ये हमारा 11/28। ये माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो हमारा माइनस 11/28 हमारा 11, हमारा इधर जो है 11/28 हमारा ये आंसर हो जाएगा, दोनों हमारा आंसर हो गया, इधर भी और इधर। अभी हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, जितना दिया गया क्वेश्चन है इसका सबका हमको एडिटिव इनवर्स, योज प्रतिलोम इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 2/8 दिया गया है, तो इसमें क्या प्लस करें कि जो है इसका आंसर जीरो हो जाए, जीरो आना चाहिए आंसर। तो अगर हम इसमें -2/8 प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, कैसे देखते हैं एक बार, एक देख लेते हैं 2/8 और इधर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और इधर 2/8, अभी हमारा पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा जीरो, आंसर जीरो आना चाहिए। अभी देखेंगे, तो बहुत ही आसान है ये, इसका जो है सिर्फ चिन्ह बदल देना है, जैसे कि 2/8 है तो माइनस माइनस 2/8 ऐसे जो है लिख लेंगे इसको। अब दूसरा है -5/9, तो ये माइनस दिया गया है तो इसको जो है हम हटा देंगे, क्योंकि माइनस देखो इसको इधर प्लस दिया था तो इधर माइनस हो गया, अब इधर माइनस दिया गया तो इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट, तो इधर 5/9 इसका हम योज प्रतिलोम लिख लेंगे इसे। अब इधर देखो दोनों माइनस दिया गया है तो माइनस माइनस सब कट गया ये, तो ये फिर इसके जैसा ही हो गया, 2/8 की जगह उसकी जगह उसके जैसा ही ये हो गया, तो इसको हम इधर लिखेंगे -6/5। और इसमें चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, ये पूरा माइनस में ही है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, तो इधर हम देखो इधर माइनस दिया गया था, जब इधर माइनस दिया गया था तो प्लस पॉजिटिव में हो गया था, तो वैसे ये भी जो है 2/9। एक और है, इसमें वैसे ही चाहे ऊपर दिया हो चाहे नीचे, तो इसका भी क्या हो जाएगा 19/6। इसका हम जो है इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा क्या प्लस जोड़ा जाए इसमें कि जो है जिसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर जीरो आ जाता है तो एडिटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता है तो एडिटिव इनवर्स नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वेरीफाई करना है इसको कि ये जो है -x - -x = x, इसको इसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि नहीं, इसको हमको सत्यापित करना है। तो बहुत ही इजी है ये, -x = x दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है 11/15, तो माइनस और माइनस 11/15 इक्वल दिया ही गया है 11/15, इसको ऐसे लिख लेंगे तो ये हमारा जो है सत्यापित हो जाएगा, ये हमारा जो है सिद्ध हो जाएगा कि जैसे कैसे कि माइनस माइनस प्लस, तो 11 और इधर 15 इक्वल 11/15, दोनों बराबर हो जाएगा। ये जो माइनस माइनस था इसको हम माइनस और इनटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस आगे चिन्ह लिखा नहीं जाता लेकिन ये सब हो जाता है, तो ये जो है हमारा दोनों इक्वल है, इस तरह हम इसको हम सिद्ध कर देंगे। दूसरा देख लेते हैं, -(-x) = x, तो अभी हम यहाँ पे -(-) और हमारा जो x का वैल्यू है वो है हमारा -13/17 और इधर इक्वल -13/17, तो इसको प्ले कर लेते हैं हम ब्रेकेट के अंदर, तो माइनस तो है ही ये माइनस माइनस प्लस और तो 13/17,
13/17 और इधर -13/17। इधर जो है हम लिख लेंगे -13/17। सॉरी वो गलती से दिखाई नहीं दिया, मैं लिखते चला गया और वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसके बाद हम इधर माइनस प्लस -13/17 और इधर -13/17, ये दोनों इक्वल है। ये भी हमारा सत्यापित हो चुका है कि दोनों जो है इसकी वैल्यू x और -x इक्वल है x के, दोनों बराबर हैं, सत्यापित कर चुके हैं। अभी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें जो संख्या दी रहती है उसको हमको ऐसे किसी संख्या से गुणा करना रहता है, ऐसी नंबर से जिसका आंसर 1 आ जाए, जैसे a इंटू 1 अपॉन a इक्वल 1, a से कट जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है देखते हैं। तो इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो हमारा ये हो जाएगा -1/30। कैसे करते हैं इसको हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद अपने आप से कर लीजिएगा। इंटू -1/13, तो इधर जो है ये पूरा माइनस में ही है, 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा 1, 13 उन्जा 13, तो -1 इंटू -1, तो 1 जो क्या होता है 1 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारा इधर पॉजिटिव में आना चाहिए 1। तो हमारा इसका मतलब ये, इसका योज प्रतिलोम जो हम लिखे हैं, योज पर गुणात्मक प्रतिलोम जो लिखे हैं ये सही है। इसी तरह जो है हम इसका लिखेंगे, इसको हम अगर -19/13 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इसका इसका हम 5 लिखते हैं, इसका हम 5 लिख देंगे, इसका 5/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहे 5/1 लिखे नीचे लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम सिर्फ इसको 5 लिख देंगे। इधर इसको हम देखते हैं, इसमें हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो 5 3 15 और 8 7 56, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका अभी दिखाए इधर बताए थे माइनस जब रहेगा तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इधर माइनस है तो इसका हमारे गुणात्मक जो है प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15। तो ये हमारा ये इसका हो जाएगा। आगे दिया गया है ये, इसके नीचे एक है, इसको हम मानेंगे एक है, तो इसको हम पहले गुणा कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 और इधर 5। तो इसका हम अगर हम लिखते हैं योज प्रतिलोम, वो गुणात्मक प्रतिलोम, तो इधर हमारा हो जाएगा क्या, 5/2 हो जाएगा। और इधर -1 दिया गया है, तो -1 का जो है हम इधर लिखेंगे 1/-1, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसको उसको जो है हम अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारा इसका निकल आएगा। तो ये अभी सबको समझ में आ गया होगा। अभी जो है दिया गया है क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके जो है गुणधर्म ज्ञात करना है, जितने दिए गए हैं ये इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है उसको हमको बताना है। तो ये इधर देखते हैं हम, -4/5 × 1 दिया गया है, इक्वल में दिया गया है 1/1 × -4/5, मतलब क्या है, इसको एक क्रम चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे, ये कौन सा है, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफायर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
आगे देखेंगे, ये जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थर्ड माइनस 13/17 इंटू -2/7 दिया गया है, इक्वल में -2/7 इंटू -13/17 दिया गया है। ये है इसका क्रम जो है बदला हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। और ये हमारा गुणात्मक सप्तस्कम है। आगे है इसका भी जो है हमको लिखना है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि इधर देखो दिया गया है -13/19/29 इंटू 29/-19, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। तो अभी हम बताए थे कि जब आंसर 1 आ जाए तो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो इधर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह जो है ये हमारा हम प्रॉपर्टी लिख देंगे। गुणधर्म को हमको बताना था, गुणधर्म हम बता दिए हैं कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 ये रेसिप्रोकल इसका निकालना है, उसके बाद उससे इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे माइनस, तो लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा -16/7। रेसिप्रोकल मींस होता है व्युत्क्रम, इसको हमको व्युत्क्रम निकाल लिए, पहले इतना आ गया। अब हम इसको जो है प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, ये 6/13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 6/13 इंटू -16/7, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/6 होता है 96, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इधर हमारा 13/7 जो होता है 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था इसको, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अभी इसमें बताना है टिल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, इसको इसकी गणना करने के लिए कौन से गुणधर्म को यूज किया गया है उसको हमको बताना है, कौन से सहचर गुणधर्म को यूज किया गया है। तो हम जो है इधर लिखेंगे, तो ए इंटू बी इंटू सी होता है, तो इसमें जो है बी सी को ले लिया गया है, और दूसरा है ए इंटू बी इंटू सी, तो इसमें हम इसको इसमें बी सी को गुणा किया गया है, तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेटिव है। से लिख लेंगे तो दिया गया क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या जो है ये जो गुणात्मक प्रतिलोम दिया गया है 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 इंटीजर 1/8, क्या इसका एक गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर है तो क्यों है, या अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसको हमको जो है बताना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो है a इंटू 1/a जो होता है हमारा 1 आता है पॉजिटिव में 1 आना चाहिए, तो हम पहले ले लेते हैं -1 1/8
इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, 8 1 8 1 9 माइनस 9/8। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8/9 इंटू माइनस 9/8, तो ये जो है 8 से 8 कट गया और 9 से 9 कट गया, तो बचा क्या, -1। तो हमारा जो है रूल है कि अगर पॉजिटिव में 1 आता है तब वो जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर पॉजिटिव में 1 नहीं है माइनस में आ गया इधर तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो इधर लिखेंगे -1 इंटीगर 1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। क्यों नहीं है, आप बताना है क्यों नहीं है, तो लिखेंगे बिकॉज -1 इज इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि जो इसका जो प्रोडक्ट आया है वो क्या आया है -1, इसलिए जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीगर 1/3, वाई और वाई नॉट, सेम वैसे ही करना है। तो पहले हम तो 0.3 को हम जो है सरल रख लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारा 3/10 हो जाएगा, और हमारा जो है ये 3 इंटीगर 1/3 दिया गया है, इसको हम सरल लिख कर लेते हैं, तो ये हमारा तो 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। तो हमारा रूल है अगर a इंटू 1/a = 1 आता है पॉजिटिव में तब तो जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो कर लेते हैं 3/10 इंटू 1/10/3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना 1। जब 1 आ गया तो ये जो है ये इसका 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो क्या है 3 इंटीगर 1/3 है। तो लिखेंगे 3 इंटीगर 1/3 इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। तो ये हमारा बताएंगे कि जो है 3 सही 1/3 जो है ये एक जो है 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, इसको हम सिद्ध कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको बताना है कि क्या है दिया गया है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो उसको हम लिखेंगे, तो वो आंसर क्या है, आंसर लिखेंगे 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। आगे है नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं, तो आंसर में आएगा 1 और -1, ये जो है अपने रेसिप्रोकल के समान होते हैं, सेम उसका जो रेसिप्रोकल आता है इसके इक्वल होते हैं। आगे नेक्स्ट है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा जो है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो क्या है 0, क्योंकि 0 को हम माइनस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं,
तो वो जो है उसका निगेटिव फॉर्म भी क्या होता है, जीरो ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें इसको हमको फिलअप करना है तो हम फिलअप कर लेते हैं। तो दिया गया है जीरो हैज रेसिप्रोकल, क्या जीरो का कोई रेसिप्रोकल है, लिखेंगे नो, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। आगे है द नंबर्स एंड आर दियर्स ऑन रेसिप्रोकल, तो अभी हम बताए आपको कि जो है वन एंड माइनस वन, इसका जो है एक अपना ही रेसिप्रोकल होता है, अपने व्युत्क्रम के समान होता है। आगे है द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज, तो माइनस फाइव का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आगे हम पढ़ लिए हैं तो वन अपान फाइव हो जाएगा, वन अपान फाइव। आगे है रेसिप्रोकल ऑफ वन अपान एक्स, होयर एक्स नॉट इक्वल जीरो इज, यहाँ पर जो है वन अपान एक्स का रेसिप्रोकल क्या है, जबकि यहाँ पर एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या है, तो इसका जो है रेसिप्रोकल क्या होगा, तो लिख क्या आएगा एक्स, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसको अपोजिट करेंगे तो जो है कोई संख्या ही होगी, ऊपर जाएगी वो। तो आगे दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, दिया गया दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा क्या होता है, तो क्या होता है हमारा रेशनल नंबर ही होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, वन और वन अपान टू है इंटू थ्री अपान फाइव है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री वन जा थ्री और फाइव टू जा टेन, तो कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल नंबर ही हमको मिलता है। और नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल्स ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, कोई भी अगर हम दो रेशनल पॉजिटिव नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।